कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे मेरा नाम है जी चांद सहगल, मेरा बेटा इस स्कूल से सैकेंड क्लास से पढ़ता है। अज असी प्रोटेस्ट जो किया है अक् फुक के किया, जिन्हें भी पेरेंट्स है सारे इन्हों को परेशान ने, इस करके अज असी इतने प्रोटेस्ट किया कि प्रिंसीपल विनोदिता संख्यान, प्रेजीडेंट बलवीर बजाज और एस एन जोशी, इन्होंने बहुत बहुत व्डे घोटाले किए ने इस स्कूल के और बच्चों का और मापिया का, इन्होंने रज के खून चूसया। तुसी देखो बलवीर बजाज 11 साल तो इस स्कूल का प्रेजीडेंट है, 5 साल बाद मुख्यमंत्री भी बदल जाता, 5 साल बाद प्रधानमंत्री भी बदल जाता, एक केड़ी शह जी 11 साल तो इतने बैठी हुई है। अज पेरेंट्स इन्ने परेशान ने, इन्होंने इन्नी लुट सुट कर दी है कि हद जी साड़ी टुट गई है। तो साड़ी जी यही डिमांड हैगी है कि प्रिंसीपल विनोदता संख्यान, एस एन जोशी मैनेजर और बलवीर बजाज, इन्होंने तिना इस कुर्सी चो बाहर कटिया जाए, असी पेरेंट्स इन्हों होर बर्दाश्त नहीं कर सकते। कारण मेन यही है कि देखो स्कूल दे विच कोई फंक्शन होंदा उहदी कोई स्लिप नहीं देंदे, फीसा लैंदे आ उहदी कोई स्लिप नहीं देंदे, साइकिल स्टैंड की जिहड़ी है पर्ची तक नहीं देंदे। तुसी देखो श्री दरबार साहब हरिमंदर साहब सारे पासे पार्किंग जिहड़ी फ्री है, शहीदा साहब भी फ्री है, दुरगियाना टैंपल भी फ्री है, ये पैसा लै रहे हैं बच्चों को, मापिया को लूट रहे हैं। एडिटोरियम के नाँ पर इन्होंने 33 लाख की किन्ने लखा इन्होंने घोटाला किया, इन्होंने बच्चों के माँ प्यो तुहाड़े सामने देख लो किन्नी तादाद च खड़े ने, बच्चे भी खड़े ने, स्टूडेंट भी खड़े ने। और तुसी देखो इस स्कूल दे विच 3200 बच्चा पढ़ता सी, जिदे विचों अज इस स्कूल दे विच 2400 बच्चा रह गया। उहदा कारण मैं तुहानू दस्सदा, उहदा कारण यह है कि 3200 चों 2400 बच्चा रहण दा कारण यह है कि प्रिंसीपल का बिहेवियर इन्ना माड़ा, उहदा बिहेवियर है प्रिंसीपल का। बलवीर बजाज तो पहली गल किसी मिलन नू तैयार नहीं, अगर कोई लेडीज़ मजबूर या कोई लेडी कोई पिता प्रिंसीपल को चला जाता कि मैडम मैं फीस नहीं दे सकता, और प्रिंसीपल का एको ही जवाब होंगे कि अपने बच्चे तुसी जम्मे के हो, जे बच्चा लैके जाना इधर भी गेट है उधर भी गेट है, इन्हों लै जो कड़ के असी तुहाडे बच्चे नू पढ़ा नहीं सकते। बोली तो इन्नी माड़ी इस प्रिंसीपल की असी तुहानू दस ही नहीं सकते, उहदे बिहेवियर बहुत ही गंदा, मैं दस नहीं सकता सर, बयान ही नहीं कर सकता, इतने नहीं बयान, बहुत बहुत गंदा बिहेवियर इस प्रिंसीपल का, असी इनू नहीं बर्दाश्त। स्कूल का नाम है श्री राम आश्रम पब्लिक स्कूल, पर इन्होंने पवित्र श्री राम नू रावण राज और रावण की लंका बना के रख दिता होया, जो कि असी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करांगे। असी प्रभु श्री रामचंद्र के नाम नाल बने और ये प्रभु श्री राम जी का मंदिर है, असी इस स्कूल नू दोबारा तो फिर श्री राम आश्रम बनावांगे, असी लंका नहीं बनन देवांगे इस स्कूल नू। हाँ जी सर, अपना नाम क्या? मेरा नाम जी अनूप मैनी है जी, मैं जी श्री राम आश्रम पब्लिक स्कूल का पेरेंट हाँ, ऐसे स्कूल का पेरेंट हाँ। अज साडे इत्थे डेमोस्ट्रेट करन दा धरना लाण दा इक्को ही मकसद सी कि स्कूल ने पिछले 5-7 सालों के विच जिहदे विच इंकलूड ने सोसाइटी के प्रेजीडेंट श्री बलबीर बजाज जी, प्रिंसीपल स्कूल की विनोदिता संख्यान एंड मैनेजर एस एन जोशी साहब, ए तिना ने स्कूल के विच पिछले 5 साल के विचों जिन्हों की सो कॉल्ड मैनेजमेंट कहांगे इन्नी एक मास लैवल के उत्ते हेराफेरी की है कि जिदा शब्दों में कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। असी लोग बहुत देर तो परेशान सी, यह सब कुछ साढ़े नाल बहुत सालों के तो हो रहा है, और किस तरह हो रहा मैं तुहानू दसा कि साढ़े कोल बच्चों के पिछले 5-7 साल तो एनुअल फंक्शन की 600 तो 650 रुपया पर बच्चा लिता गया, और 650 रुपया लैन तो बावजूद कोई रसीद नहीं दी गई, जबकि यह जी संस्था हैगी है चैरिटेबल संस्था वै, यह काम है समाज भलाई के काम करने, स्टूडेंट्स की वैलफेयर वास्ते काम करना, नेक नीयत ना काम करना, जिस तरह सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव सी। एनुअल फंक्शन तो अलावा पार्किंग फीसा देना ने स्टूडेंट्स को पैसे ले, पेरेंट्स को पैसे ले, बच्चों को फाइन ले, और टूर्स वास्ते बच्चों बाहर लैके जाते रहे और वास्ते पैसे ले, जे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हैगी है तो फिर साफ गल हैगी है भी मतलब चैरिटी कर रही है तो रसीद तो दे भी पैसा कि जेब से जा रहा, सानू यही नहीं पता लग रहा कि वह सारा लखा करोड़ रुपया जो ने साढ़े को इन्ने सालों का लिता है वो आखिर कि जेब से गया, वो अच्छ कितने गया, और सानू मजबूर होना पै गया। उस तो बाद जो असी जिहड़ी स्कूल की संस्था चला रही थी उन्होंने असी अगस्त भी चिट्ठी लिखी, उन्होंने असी दैन सितंबर भी चिट्ठी लिखी, दो चिट्ठिया तो बाद अज असी स्कूल के बाहर मजबूर होकर धरना लाया, क्योंकि उस सोसाइटी में जिन्होंने असी लिखिया कि शायद उन्होंने नोटिस च ना हो कि तीनों स्कूल से की करते पे है,
साड़ी सर स्कूल की मैनेजमेंट ना हजे तक कोई बंदा बाहर नहीं आया जिन्हें सानू आके आश्वासन दिता है कि सोसाइटी का कोई मैंबर भी तुहानू गल करन लई इत्थे आ रहा। देखो सर जे साड़ी मंग नहीं होंदी, साड़ी सब तो पहला मंग हैगी है कि आ तीन बंदे जिन्हां ने स्कूल दे विच स्कूल नाल और पेरेंट्स नाल बड़ी मास लैवल ते हेराफेरी कीती है। ऐ नहीं कि इन्हां कोल स्टाफ परेशान नहीं है लेकिन वो अपनी नौकरियां तो डर तो चुप है गए। जे तीन बंदियां नू टर्मीनेट ना किया गया तो असी बहुत वड्डा अंदोलन करांगे आने वाले टाइम से, और जो सानू कोई कानूनी भी पक्ष लैना पिया असी कानूनी लड़ाई भी लड़नी पई, जिनी मर्जी लड़नी पई असी लड़ांगे।